रोहतक में मेदांता के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैंसर होने का बड़ा कारण स्मोकिंग। स्तन कैंसर को लेकर दी पूरी जानकारी। रोहतक में मेदांता अस्पताल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भुवन चुग ने कहा कि कैंसर होने का स्मोकिंग एक मुख्य कारण है। साथ ही स्तन कैंसर को लेकर पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टर भुवन चुग ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार का कैंसर होता है तो इसकी साइंटिफिक तरीके से जाँच होती है, जिसके बाद आगे का इलाज कराया जा सकता है। मैं डॉक्टर भुवन चुग हूँ, मैं मेदांता में कैंसर रोग विशेषज्ञ या कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, हमने ये समझा कि कुछ कैंसर हैं जिनको होने से बचाया जा सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्मोकिंग रिलेटेड या धूम्रपान रिलेटेड कैंसर हैं, जिसका हमें अभी पब्लिक को बिल्कुल देर इज़ नो रीज़न कि वो स्मोक और करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि फेफड़े का आप शुरू से गिनना शुरू करेंगे तो मुँह का कैंसर, गले का, खाने की नली का, पेट का, फेफड़े का, हर कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है। दूसरी बात, कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि आप अर्ली स्टेज पे पकड़े जा सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स के अंदर, और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्लड ब्रेस्ट कैंसर की या स्तन के कैंसर की, या आपकी मासी को, माँ को, आपकी बहन को या आपकी नानी को किसी को भी ब्रेस्ट का कैंसर था, तो आप अवेयर रहिए, आप ये समझिए कि आपको भी हो सकता है। सेल्फ एग्जामिनेशन करना अपने स्तन का, जब भी नहाएं तो अपने आप हाथ घुमा के देख लिया कि कोई गांठ तो नहीं है, और अगर आप साल में ज़रूर एक बार किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने स्तन का चेकअप करवाया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराया, कुछ और नहीं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराया कि कोई गांठ तो नहीं है। हमारी, क्योंकि मैं मेदांता से हूँ, तो कुछ हमारी मेदांता से मेमोग्राफी बसेज हैं, जो ब्रेस्ट का एक्सरे लेती हैं, वो बसेज हैं जो हमने चला रखी हैं एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जो आपके स्तन का एक्सरे लेंगी और उसमें पकड़ा जाएगा उसमें कैंसर है कि नहीं। तो मेमोग्राफी होना, एक रेगुलर टाइम पर मेमोग्राफीज होना, ताकि आपका कैंसर अगर है भी तो अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए। दूसरी तरह आँख का कैंसर, जो कोलोन कैंसर हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपका कोई पेशेंट, आपका कोई भाई बंधु था, पिता थे, या कोई भी जो था जिसको 60 साल से पहले कोलोन का कैंसर हुआ था, तो आप अवेयर रहिए इस बात से कि आपको कैंसर हो सकता है। अपनी रेगुलर 10 साल में एक बार या 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी कराइए, स्टूल का चेकअप कराइए कि उसमें खून तो नहीं आ रहा है। सिमिलरली, अगर आप को एक खुदा ना खास्ता अगर कैंसर हो गया है तो घबराइए मत। एक तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है उस कैंसर को जांच करने का, उस कैंसर को समझने का, उस कैंसर को ट्रीट करने का। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और समझिए कि आपके कैंसर की बीमारी का नाम क्या है, उसका स्टेज क्या है, और उसके आपका किस तरह से उसका इलाज हो सकता है।